इटावा महोत्सव में शनिवार को बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। कार्यक्रम में गेट से एंट्री नहीं मिली तो हजारों लड़के लड़कियां दीवार फांदकर अंदर घुस गए। हालात यह हो गए कि भीड़ को मैनेज करने में पुलिस के पसीने छूट गए। लाठी पटक कर और धक्का देकर पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं आए। मजबूरन एसएसपी संजय कुमार को मोर्चा संभालना पड़ा। वह भीड़ के बचाव में आए लोगों से शांत रहने की अपील की, तब भी बात नहीं बनी। इसके बाद एसएसपी ने इशारा किया, डेढ़ घंटे में ही कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया। कुल मिलाकर पंडाल में भागम भाग जैसी स्थिति रही। पुलिसकर्मी कभी डंडा दिखाते तो कभी समझाते नजर आए। दरअसल प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ पहुंच जाएगी, इसलिए व्यवस्था गड़बड़ा गई। बी प्राक ने तेरी मिट्टी में मिल जाए और एनिमल मूवी का सब कुछ मिटा देंगे गाना गाया है। इटावा महोत्सव का 10 दिसंबर से आयोजन हो रहा है। शनिवार को म्यूजिकल नाइट में सिंगर बी प्राक को आना था, जिस कारण शाम 5 बजे से ही पंडाल के अंदर हजारों की तादाद में लोग बी प्राक को सुनने के लिए पहुंचने लगे। रात होते होते भीड़ बढ़ गई। भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस की हालत खराब हो गई। इस कारण आगरा, कानपुर, औरैया, मैनपुरी समेत अन्य जिलों के लोग बी प्राक को सुनने इटावा प्रदर्शनी में पहुंचे थे, जिस कारण यहां पंडाल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवक और युवती नाइट शो का आनंद लेने पहुंचे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।